सो हेलो गाइस तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है इसमें हम लोग डेली टॉप थर्टी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं और ये टॉप थर्टी क्वेश्चन कौन से महीने के हैं तो जनवरी दो से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं डेली थर्टी क्वेश्चन हम लोग करते हैं तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए अभी प्रोजेक्ट एलोरा को किसने शुरू किया था तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने एलोरा का मतलब क्या हो गया एनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज तो याद ध्यान रखना बाकी देखो माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन यूएस में है सीईओ है सत्या नडेला कुछ एकाध प्रश्न में आपको और रिवाइज कराऊं तो आपको यह याद ही है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो बाईस हैं लेकिन शुरुआत में कितनी थी चौदह थी और ये एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इनका निर्माण किस वंश ने करवाया था राष्ट्रकूट वंश ने राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने और ये कैलाश मंदिर कहाँ पर है एलोरा के महाराष्ट्र में और इसकी खास बात क्या है एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर इसे बनाया गया है तो ये ध्यान रखना फिर बताओ कि दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने की घोषणा की गई थी अभी बजट में उसका नाम क्या होगा तो आंसर होगा वंदे मेट्रो रेल मंत्री कौन है हमारे अश्विनी वैष्णव है तो हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी उसका नाम हमने वंदे मेट्रो रखा है ये दिसंबर एंड तक चल जाएगी और सबसे पहली बार ये चलेगी हरियाणा में आपको बताया वैसे दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने चलाई थी जर्मनी ने चलाई थी और दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी चाइना ने और वंदे मेट्रो से आपको याद आएगा वंदे भारत ट्रेन तो मैं प्रश्न ऐसे पूछूंगा कि भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन जिसका नाम पहले ट्रेन 18 हुआ करता था ये कहाँ से कहाँ चली थी दिल्ली और वाराणसी के बीच में इसका निर्माण हुआ था इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में और अगर पूछूं कि दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी मैसूर से चेन्नई और अगर पूछूं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी होगी और किस नदी के नीचे चलेगी तो ये होगी कोलकाता मेट्रो जो चलेगी हुगली नदी के नीचे ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ध्यान रखना आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको फिर बताओ अभी फरवरी में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया तो आंसर होगा परवेज मुशर्रफ ये सन 2001 में पाकिस्तान के दसवें नंबर के राष्ट्रपति बने थे और बता दूं परवेज मुशर्रफ इनको कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है अभी निपटारा हो गया इनका तो अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है आंसर होगा चार फरवरी को इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी फिर बताइए अभी फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया तो आंसर होगा तो यह है अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जिसका आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में फरवरी में हुआ था ये इसमें जो थीम स्टेट्स की बात करोगे तो वो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वो रहे थे और पार्टनर कंट्रीज में शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो सदस्य देश हैं वो रहे थे कौन सा संस्करण था छत्तीसवा अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ तो फिर आंसर करना हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी याद रखो कि दो में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है भारत इसका मुख्यालय कहां पर है बीजिंग में है यह याद रखना और अभी इसने पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया था वाराणसी को यह भी ध्यान रखना फिर ये एक प्रश्न भी मैंने ले लिया क्योंकि ये पहली बार हुआ था क्या है नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप दो हजार तेईस इसका ये पहला संस्करण था इसको किसने जीता केरल ने जीता क्या है ये नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप है तो पहला संस्करण हुआ था इसका फाइनल अभी गुजरात के सूरत में हुआ था फाइनल जीत लिया केरल ने पंजाब को हराया था इतना सा ध्यान रखो फिर बताओ अभी किसने तीसरी बार नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया तो आंसर होगा आई ने बात कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की इस बार दो में ये इसका बारवा संस्करण था जो कहां पे हुआ लह लद्दाख में ने जीता? आई आईटीबीपी आई आई की भी बात कर ले स्थापना नई दिल्ली में, में मुख्यालय है इसका मोटो होता है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है अनिश दयाल सिंह ध्यान रखना ये अगला प्रश्न देखते हैं तो फिर बताओ अभी किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता तो आंसर होगा डॉक्टर पेगी मोहन ने लेखक हैं ये डॉक्टर पेगी मोहन और एक्चुअली में उनकी बुक है जिसका नाम है वेंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट उसने ये पुरस्कार जीता है या यूं कहूं कि उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार याद रखना डॉक्टर पेगी मोहन प्रश्न क्या है कि अभी फरवरी में ही प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का, का निधन हो गया उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था तो आंसर होगा अभी 2023 में ही उन्हें मिला था पद्म भूषण और आपको बता दूं कि इन्हें वाणी जयराम को आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता था ये कहाँ से थी तमिलनाडु से लेकिन अभी इनका निधन हो गया तो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए वो ध्यान रखना वैसे पद्म भूषण की बात करें तो कितने व्यक्तियों को मिला यह आपको बताना है पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को मिला यह आपको बताना है वैसे इसी रिवीजन वाली क्लास में ये प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूं जिसमें पद्म विभूषण और भूषण इनके नाम भी मैंने आपको रिवाइज कराए हैं तो डेली आप ये रिवीजन वाली क्लास देखते रहो वो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होेंगे तो आपको वो नाम याद हो जाएंगे अभी अगला प्रश्न देखते हैं फिर बताओ अभी एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना ये कहां पर खोला गया तो आंसर होगा कर्नाटक में और इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छः फरवरी दो को कहाँ पे कर्नाटक के तुमकुरू में ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना है और आप कह सकते हो कि ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये जो है एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है तो यह आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड आया है तो बात करें इसके स्टैटिक की तो इसकी स्थापना होती है 1940 में इसका मुख्यालय है बंगलुरु में और अध्यक्ष है आर माधवन अच्छा यहाँ पे जैसे हमने बात करी ना एशिया का सबसे बड़ा तो एशिया में जो पहली बार चीजें हुई तो इस तरह के कोई करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे तो मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ अब ध्यान से सुनना अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा बायो गैस प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ था पंजाब में और एशिया की सबसे लंबी नदी आपको है कौन सी है यांग तीसी नदी है जो आपको मिलेगी चाइना में और बताओ इस यांगतिसी नदी के किनारे चाइना का कौन सा शहर बसा हुआ है उसके अलावा भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था कहाँ पे आंध्र प्रदेश में और अगर पूछो कि भारत का पहला बायोमास आधारित प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में और अगर पूछे ना कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे शुरू हुआ तो आंसर करना असम में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अगला प्रश्न देखते हैं फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता तो आंसर होगा रिकी केज ने अभी पैंसठवा ये वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ था अभी फरवरी में ही कहाँ पे अमेरिका के लॉस एंजल्स में और इसमें बंगलुरु के संगीतकार हैं ये रिकी केज और इन्होंने अभी तीसरी बार ये ग्रैमी पुरस्कार जीता ग्रैमी पुरस्कार ये म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ये भी याद होना चाहिए आपको और बता दूं आपको रिकी केज ये पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय हैं देखो चौथे तो ये भारतीय हैं लेकिन इन्होंने खुद ही ये तीन बार जीता है ये भी अलग से पॉइंट ध्यान रखना इन्होंने अपना जो पहला ग्रेमी पुरस्कार है वो 2015 में जीता था और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि अभी बावनवा दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता तो ये भी याद रखना अच्छा प्रश्न है आशा पारेख ने और अभी आर 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 मूवी का एक गाना है नाटू नाटू उसे अभी गोल्डन ग्लब अवार्ड 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था और अभी कर में भी बेस्ट सॉन्ग का दर्जा दिया गया था इस नाटू नाटू को इसके म्यूजिक डायरेक्टर एम एम कीरावनी है जिन्हें अभी 2023 में पद्मश्री भी मिला था तो ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं इनको भी ध्यान रखना साथ में और हाँ अगर आप में से इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ ये आपकी रिविजन वाली क्लास है बाकी स्टूडेंट्स को तो पता है तो इसमें हम क्या करते हैं क्वेश्चन को डिस्क्राइब नहीं करते हैं जो एक्सप्लेनेशन होता है कि क्यों हुआ क्या उद्देश्य है ये चीज़ें हम बात नहीं करते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो वो पॉइंट की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा 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 क्योंकि एक्सप्लेन तो हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में कर लेते हैं ये हमारी रिविजन वाली क्लास है इस बात पर गौर करना लेकिन अगर कोई कंट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है तो उसके स्टेटिक में आपको जरूर बताता हूँ साथ में अगर कोई प्रश्न से संबंधित मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको बताने चाहिए तो वो भी मैं आपको बताता हूँ तो मतलब रिवीजन वाली क्लास के अंदर भी मैं आपको और रिवीजन करा देता हूं दूसरे प्रश्नों का और इस तरह से आप पाओगे कि ये 10 से 15 मिनट 15 मिनट वाली क्लास में क्वेश्चन तो देखने में आपको 25 से 30 मिलेंगे यहाँ पे काउंट करोगे तो लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको बीच बीच में रिवाइज कराता हूँ वो अगर जोड़ोगे तो लगभग पचास साठ के ऊपर क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पंद्रह मिनट की क्लास में तो अगर इस क्लास से आपको बेनिफिट होता है तो आपको ये कॉन्टिन्यू क्लास देखनी है तभी आपको इसका फायदा भी मिलेगा और इस क्लास को भी बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इस क्लास को बनाने के लिए मैं सेक्रीफाइस करता हूँ आपकी वीकली मंथली वाले और कामों को भी क्योंकि इतना टाइम मुझे होता नहीं है टाइम लिमिटेड है क्योंकि अगर ये काम करूँगा तो दूसरे छोड़ने पड़ते हैं दूसरे करूँगा तो फिर ये छोड़ना पड़ता है तो मुझे पता है कि एक क्लास मैं कैसे लेता हूँ कई कई बार इसे लेने के लिए या इस वीडियो को बनाने के लिए नहाना तक भूल जाता हूँ मैं भूलना क्या कर ही नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ चुननी पड़ती है या तो नहा लूँ या वो टाइम बचा करके मैं एक क्लास का कंटेंट बना लूँ या ये रिकॉर्ड कर लूँ और हफ्ते में कई बार मेरा फास्ट हो जाता है व्रत हो जाता है क्योंकि खाना ही नहीं खा पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम चाहिए होता है तो कहीं से तो टाइम मुझे चुराना पड़ेगा निक, निकालना पड़ेगा तो अगर वाकई आपको दिल से लगता है कि ये क्लास हेल्पफुल है और कहीं से अगर मेरी थोड़ी मेहनत आपको नज़र आती है तो इस क्लास को अगर इससे हेल्प मिलती है तो इसे सपोर्ट भी करो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में या आपका जो भी स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पर फेसबुक पे इसे आपको शेयर ज़रूर करना है क्योंकि इन वीडियोस को अगर रेस्पॉन्स मिलेगा स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा त्याग सफल हो रहा है मैं सही जगह सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वरना फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें इसे स्टॉप करना पड़ेगा फिर आपके क्वेश्चन का बस एक ही रिप्लाई मैं दे पाऊंगा कि रेस्पॉन्स नहीं मिला इसलिए हमने बंद कर दिया तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए सपोर्ट जरूर करो क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये क्लास नहीं चल पाएगी और इसे लाइक नहीं किया तो भी लाइक कर देना अभी बढ़ते हैं आगे देखो फिर आपसे पूछ रहे हैं काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया तो ये महाराष्ट्र में होता है महाराष्ट्र के मुंबई में होता है अभी फरवरी में हुआ था ये एक आर्ट फेस्टिवल है फिर अगला प्रश्न है एरोन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी किस देश के हैं ये तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर है एरोन फिंच अभी इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया और वैसे आपको बता दू अभी इसी साल साउथ अफ्रीका के हासिम अमला ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था फिर बताओ अभी फरवरी में सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया था तो आंसर होगा 2026 तक अब आप पूछोगे कि यह प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है और इसे कब शुरू किया गया था तो इसे मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था इसमें क्या होता है इसमें किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और यहाँ से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपको और जोड़ के बता रहा हूँ याद करा रहा हूँ अगर प्रश्न पूछा जाए कि इस योजना के अंतर्गत भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया तो आंसर होगा भालोजी जयपुर राजस्थान में यह ध्यान रखना आप तो ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताओ क्या स्कोर रहा आपका और क्या ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई क्या इससे आपको मदद मिलेगी आपकी पढ़ाई में चीजों को याद रखने में और अगर आप चाहते हो इसे हम कंटिन्यू रखें यार नंबर ऑफ क्वेश्चन और भी ज़्यादा बढ़ाएं तो इसमें आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा आपकी भी मदद लगेगी इसे अपने दोस्तों के साथ में आपको शेयर करना पड़ेगा जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ेंगे मुझे भी इसमें समय देने पर और काम करने में मजा आएगा अब बस आपको क्या करना है अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप पर या टेलीग्राम पर इसे एक बार शेयर कर देना डेली मैं वीडियो लेकर के आऊंगा ये करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला डेली आपको शेयर करना है बाकी क्विज़ भी आप लगाते रहें आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में हर तरह की वह आपको क्विज मिलेगी स्टेटिक भी करंट अफेयर्स वाले भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो बस आज के लिए थैंक यू